हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ्स फॉर बैंकिंग। और ये जो क्लास है इसका डे 8 है आरआरबी पीओ के लिए, और ये टाइम एंड वर्क में जो भी कॉन्सेप्ट आपके बाकी हैं वो थर्ड पार्ट में आएंगे। और अगेन जो भी नए कॉन्सेप्ट होंगे उनको बेसिक से पढ़ाऊंगा और उनका हायर वर्जन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट? तो इस पार्ट के साथ टाइम एंड वर्क में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सब कवर हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इजी टू मीडियम लेवल कवर हो, अभी हाई लेवल कवर ना हुआ हो। हाई लेवल के लिए मैं लाइव क्लासेस जल्दी ही शुरू करूंगा, जैसे ये एक बार पूरा का पूरा सिलेबस आपका अर्थमेटिक का खत्म हो जाएगा, राइट? सो आई होप आप इन सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखेंगे और इन पेड वर्जन क्लासेस को सभी के साथ शेयर करना है। दिस इज द हेल्प फ्रॉम यू पीपल फॉर मी, राइट? ये आपको मेरे लिए करना है। आप सभी लोगों को वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। देखते हैं थर्ड वीडियो में क्या क्या चीजें हैं। बड़े ध्यान से आप देखते जाना, एक एक करके आपके सामने क्वेश्चन आते जाएंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, साथ साथ में सॉल्व करते रहना, और जो आपको समझ में नहीं आएगा वो सॉल्यूशन के साथ सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। तो यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा कि एक वर्क कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, राइट? तो जहां पर वर्क कॉन्स्टेंट होता है उस टाइप के क्वेश्चंस कौन से होते हैं, एक छोटा सा पार्ट मैंने तुम्हें बताया भी था कि वर्क कॉन्स्टेंट कहाँ पर होता है, राइट? तो वर्क कॉन्स्टेंट वाला पार्ट होता है जहां पर कुछ फिक्स वर्क है और वो कुछ लोगों को करना है, राइट? तो वर्क कॉन्स्टेंट यहाँ पर क्या होगा, जैसे 80 मैन, सो MEN होना चाहिए, प्लूरल इट शुड बी 80 मैन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज 45 मैन कैन डू द सेम वर्क, राइट? तो जो 80 लोगों को जो काम करना था 30 डेज में वही 45 मैन को भी करना है, तो हियर वर्क इज कॉन्स्टेंट। सो इफ द वर्क इज कॉन्स्टेंट देन व्हाट शुड बी द टोटल वर्क। सो यहाँ पर जो टोटल वर्क हो जाता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें टोटल वर्क इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज। तो मैन कितने हैं आपके पास 80 और डेज कितने हैं 30, तो ये आप ये मान सकते हो कि 2400 यूनिट वर्क है ये मेरा। तो मैन इनटू डेज का जो पार्ट होता है ना, ये आपका टोटल वर्क होता है। और इसमें कई बार ऐसे भी आ जाता है कि 80 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज वर्किंग 8 आवर्स ईच डे, तो फिर मैन इनटू डेज इनटू आवर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सो अब यहाँ पर अब देखो टोटल वर्क कितना हो गया, जो भी टोटल वर्क है ये वाला पार्ट है, राइट? अब इसी वर्क को मुझे 45 मैन से कराना है, तो ये वापस से क्या होगा, मैन इनटू डेज वाला मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही तो होगा, और मैन वाली वैल्यू हमें 45 दे रखी है, तो इस m से डिवाइड कर दे, मींस 45 से डिवाइड कर दे, तो हमारा कैलकुलेशन क्लियरली हो जाएगा। तो 15 से दो बार कट रहा है, 15 से तीन बार कट रहा है, और तीन से तो ये कट नहीं रहा, तो नंबर ऑफ डेज जो आ जाएंगे वो 160/3 आ जाएंगे, राइट? तो इस तरीके से ये कॉन्स्टेंट जो वर्क कॉन्स्टेंट होता है, इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, अगर तुमसे ऐसे कुछ बोलता है, जैसे मैंने यहां पर ले रखा है, यहां पर जो मैंने पार्ट ले रखा है वो है 80 मैन, 80 मैन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज वर्किंग 9 आवर्स इन अ डे। तो हम ये करेंगे कि जो टोटल वर्क होगा ना, टोटल वर्क अब जो होगा वो किसके बराबर होगा, 80 men into 30 days into 9 hours. So men into days into hours. Or you can say that M1, D1 and H1. So अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? Now in how many days 45 men can do the same work in? तो हम ये जो formula बनता है ना, M1 into D1 into H1 is equal to M2 into D2 into H2. तो देखो, first condition होती है ये कि पहली कंडीशन में कितने दिन कितने मैन और कितने आर वर्क कर रहे हैं, और सेकंड कंडीशन ये होती है। तो सेकंड कंडीशन में से कोई दो वैल्यूज गिवन होंगी, तीसरी पूछ रहा होता है, या फिर सेकंड कंडीशन में तीनों वैल्यूज दे रखी होंगी और कोई दो यहां पर दे रखी होंगी तो तीसरी पूछ रहा होगा, या कई बार आर नहीं होता है तो यहां पर दो वैल्यूज दे रखी होंगी, यहां पर एक दे रखी होगी, दूसरी पूछ रहा होगा, ऐसे चलता है, ठीक है? ठीक है। और कई बार साथ में ना वर्क भी आता है, कई बार वर्क भी साथ में होता है यहाँ पर।
अगर वर्क साथ में होता है तो वो क्या करते हैं, M1 D1 H1 अपॉन W1, वर्क नीचे आ जाता है, इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो वर्क का मतलब क्या हो गया, अगर मैं ये कहता 80 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज वर्किंग 9 आवर्स इन ईच डे एंड दैट वर्क इज ऑफ मेकिंग 100 मीटर ऑफ रोड, तो 100 मीटर जो रोड बना रहे हैं वो रोड बनाने का जो काम है वो वर्क है, तो 100 मीटर यहाँ आ जाता। फिर कहते कि 45 मैन 12 घंटे अगर हर दिन काम करें और 200 मीटर रोड बनाना हो, 200 मीटर रोड बनाना हो तो कितना टाइम लगेगा, तो 200 इधर आ जाता, वो ये वर्क वाला पार्ट नीचे आता है। ठीक है, ठीक। तो ये दो कंडीशन चलती हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन में 80 × 30 × 9 दे रखा है और सेकंड कंडीशन में 45 × 12 दे रखा है, 15 से ये 3 बार कट रहा है और 15 से ये 2 बार, और अगर आप इसको 3 से कट करते हैं तो ये 3 बार, 3 से ये 4 बार कट हो रहा है, 4 से ये वापस से 20 बार कट हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास D2 अवेलेबल नहीं है, तो D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 × 2 दैट इज इक्वल टू 40 डेज। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो सेम टाइप के क्वेश्चन में मैं तुम्हें बता देता हूं किस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब क्या बोल रहा है, इफ 36 मैन कैन डिग अ ट्रेंच ऑफ 200 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप इन 6 डेज वर्किंग 10 आवर्स पर डे। तो देखो 36 मैन जो है 6 डेज वर्क कर रहे हैं और हर दिन में कितना काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, ना और जो मैंने अभी कहा था कि 200 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड और 2 मीटर डीप, अब ये क्या हो गया, पूरा वॉल्यूम हो गया, जैसे रूम होता है ना, यस रूम का वॉल्यूम का यस फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट तो फिर हमारा जो पूरा वर्क होगा वो क्या होगा कि ट्रेंच जो खोदा गया है उसका वॉल्यूम कितना था, कि इतना मीटर लंबा है, इतना मीटर चौड़ा है, इतना मीटर डीप है, तो वो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम वर्क का काम करेगा कि इतना बड़ा जो ट्रेंच खोदा गया था वो क्या करेगा, वर्क का काम करेगा। समझ में आ रहा होगा, यस सर। राइट। तो इसी तरीके से कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं कि M1 D1 H1, यहाँ पर W1 और आ गया है साथ में, वर्क भी दे रखा है, और M2 D2 H2 अपॉन वर्क 2। तो देखो सीधे सीधे M1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है कि भाई 36 मैन है, कितने दिन तक काम करते हैं, 6 दिन तक काम करते हैं और डेली 10 घंटे काम करते हैं और 200 मीटर और 3 मीटर वाइड और 2 मीटर डीप ये खोद डालते हैं, तो ये वर्क आ गया। और हमें M2 क्या दे रखा है, 10 आदमी दे रखे हैं और उन्होंने 12 आवर्स पर डे वर्क करना है, तो D2 की वैल्यू हमें निकालनी है और आवर्स वाला पार्ट 12 दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि 100 मीटर 4 मीटर वाइड और 3 मीटर डीप, 4 मीटर वाइड 3 मीटर डीप, राइट। तो एक ही वैल्यू तो सर गायब है, तो दो इक्वेशन इक्वेशन जो बन रहा है, एक एक जो वैल्यू गायब है, हम बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आप तुमको दिख रहा होगा कि ये 10 और 10 ये सीधे सीधे कैंसिल आउट हो गया, 12 से ये 3 बार कट हो रहा है सीधे सीधे, ये 12 × 100 हो रहा है, 12 × 100 1200 है ना, तो ये 6 × 200 है, तो ये भी 1200 है, तो सीधे सीधे कैंसिल आउट हो गया ना, तो D2 की वैल्यू आ गई क्या, 3 × 6 दैट इज इक्वल टू 18, तो आंसर हो गया 18, राइट। तो जब वर्क यस भी गिवन हो तो कांस्टेंट वाले क्वेश्चंस को हम ऐसे कर लेते हैं। अब एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ पर बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर अंडर टू का कॉन्ट्रैक्ट टू डिग अ कैनाल इन 48 डेज, ही एम्प्लॉयड 96 मैन। इसका मतलब क्या है, एक ठेकेदार था, उसने 48 दिन में किसी कैनाल को खोदने का काम लिया और उसने जो 96 मैन थे एम्प्लॉय की, राइट। अब 48 डेज में काम खत्म करना था, बट आफ्टर 16 डेज, मान के चलो 16 दिनों के बाद वो इंस्पेक्शन करने आता है, तो ओनली 1/4 वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, तो कह रहा है कि केवल 1/4 काम हुआ था। तो देखो 48 डेज, अगर मैंने टोटल 48 डेज में खत्म करना था और 16 दिन के बाद मैं आ रहा हूं, तो एक्चुअल में मेरा काम कितना होना चाहिए था, 1/3 होना चाहिए था ना, 16 3 48 होता है,
तो 16 डे में 1/3 होता तो वो शेड्यूल से हो रहा था, तो काम खत्म हो जाता। बट यहां पर क्या कह रहा है कि भाई 16 दिन में तो 1/4 ही खत्म हुआ, दैट मीन जिस तरीके से वो सोच के चल रहा था वैसे काम नहीं हुआ। अब वो कह रहा है कि भाई जो बचे हुए दिन है ना उसमें वो कितने मैन एक्स्ट्रा लगा दे कि काम जो है वो टाइम पर खत्म हो जाए, शेष दिनों में जो बचे हुए दिन है शेष दिनों में समय पर काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों को काम करना चाहिए, तो और कितने एक्स्ट्रा मैन लगाने पड़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, SSC हो, बैंक हो, कुछ भी हो। ये फेवरेट क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर इस टाइप का जो काम है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें क्या देखना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मूला हमने दिखा था ना कि मैन डेज और आवर्स एंड W1 इज इक्वल टू मैन D2 H2 एंड W2, राइट? तो देखो यहां पर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इसके जितने भी 96 मैन थे उन्होंने 16 डेज तक तो वर्क किया है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 96 मैन ने 16 डेज तक जो वर्क किया और उसमें वो काम कितना कर पाए, 1/4 ओनली। तो 1/4 नीचे लिख दो, तो आर्स तो है नहीं, तो आर्स को हटा देते हैं दोनों तरफ से। अब कह रहा है कि भाई मैन कितने लगेंगे, तो मैन कितने लगेंगे पता नहीं है, डेज कितने बचे हैं कि 16 डेज तो यहां पर पूरे हो गए आपके, और टोटल डेज कितने थे तो बचे कितने 32। अब यहाँ पर जो वर्क बचा है ना वो कितना बचा, 1/4 काम हुआ है, तो अब बचा हुआ कितना करना है 3/4, है ना? तो अब आप देखो 1/4 1/4 तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से आप ऐसे मान के चलो ये वाला पार्ट हम यहाँ से 32 से 3 times कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये देखो M2 की जो वैल्यू आ गई आपकी वो आ गई 3 × 3 × 16, तो M2 की वैल्यू आ रही है 144 मैन। So 144 men are required in remaining 32 days to complete the work on time or in time. So क्या होता है English में क्या correct word use होगा, in time or on time? So ये on time होना चाहिए था। अब देखो 144 men required है, मेरे पास men है कितने 96, so how many extra men are required in those remaining days? So extra man is 144 minus 96, that is equal to 48, right? 48 more men are required, क्योंकि 96 तो उसके पास ऑलरेडी थे ना, लेकिन 96 से अगर वो काम करवाता तो काम पूरा होता नहीं, क्योंकि 16 दिन में जो काम कर पा रहे हैं वो 1/4 है, तो बचे हुए 32 दिन में तो केवल हाफ काम और हो पाता, 1/4 और 1/4 1/4 बच जाता। अब आ जाते हैं हमारा इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि इन अ फोर्ट देयर वाज अ सफिशिएंट फूड फॉर 200 सोल्जर फॉर 30 डेज, आफ्टर 25 डेज 120 सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, फॉर हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल द रेस्ट फूड विल लास्ट फॉर रिमेनिंग सोल्जर्स। तो कह रहा है कि 200 सोल्जर्स के लिए 30 डेज के लिए सफिशियंट फूड था। तो देखो जैसे हम कह रहे थे ना कि 200 आदमी किसी काम को 30 दिन में खत्म करते हैं, तो हमारा जो टोटल वर्क था वो 200 × 30 था, तो यहाँ पर टोटल फूड यूनिट की बात कर रहे हैं। टोटल फूड कितना होगा, यहाँ पर टोटल फूड जो है वो 200 आदमियों के लिए 30 डेज के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ पर ये जो टोटल फूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, इसको 6000 कुछ भी मान सकते हैं हम, एक्चुअल में टोटल वर्क निकालते थे, अब यहाँ पर ले लेगा, तो फूड को यूनिट में कुछ भी कर सकते हो, इसको केजी में ले लो, कैसे भी ले लो, जैसे भी। तो अब कह रहा है कि आफ्टर 25 डेज 120 सोल्जर लेफ्ट द फोर्ट, तो अब आप ऐसे देखो कि आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि भाई 25 डेज तक वही 200 सोल्जर्स ने फूड कंज्यूम किया, तो फूड कंज्यूम कितना हो गया, फूड कंज्यूम कितना हो गया, तो फूड कंज्यूम कितना हो गया 5000 यूनिट। तो अब आपके पास जो फूड बचा वो कितना बचा, रिमेनिंग फूड, तो रिमेनिंग फूड की अगर हम बात करें तो रिमेनिंग फूड की बात करेंगे तो 6000 - 5000 1000। अब ये जो रिमेनिंग फूड है 1000 यूनिट, अब रिमेनिंग सोल्जर कितने हैं,
रिमेनिंग सोल्जर्स 100 में से आपके 120 तो माइनस हो गए तो 80 बचे, तो ये 1000 यूनिट जो है वो 80 के लिए कितने डेज के लिए होगा, वो यही तो होगा, क्योंकि जो आपका फूड था वो मैन इनटू डेज था। तो अगर ये मैन इनटू डेज को आप डेज से डिवाइड करेंगे तो आपका डेज डेज कैंसिल आउट हो गया, या ये मैन है ना, मैन मैन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेज वाला पार्ट जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 12.5 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं जो फूड कांस्टेंट या वर्क कांस्टेंट से रिलेटेड होते हैं, और ये भी फ्रिक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अब हम आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस की तुम बात कर रहे थे, राइट? ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है 3 men और 4 boys कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 days, देन 6 men and 8 boys कैन डू कैन कंप्लीट इट। तो वही काम जो है वो 6 men और 8 boys अगर साथ में मिलके करें तो कितने दिनों में खत्म कर लेंगे, यही क्वेश्चन है। Yes. तो यहाँ पर ना 3 type के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है और गिवन होता है, राइट, और एक आता है एंड गिवन होता है। तो यहाँ पर 3 type के क्वेश्चन होते हैं, 3 men और 4 boys ऐसे लिखा होगा, राइट, कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 days। कई बार लिखा होता है 3 men and 4 boys कैन कंप्लीट द वर्क इन लेट अस सपोज 20 days, ऐसा दे रखा हो, लेट ऐसा दे रखा हो, फिर उसमें ये दे रखा होता है कि 1 man can do the work of 2 boys। दैट मीन्स ये यहाँ पर जो डायरेक्टली दे रखा है ना, 3 men और 4 boys कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 days, दैट मीन्स क्या हो गया, 3 आदमी उतना ही काम करते हैं जितना 4 boys कर सकते। एंड अगर दे दिया जाए तो एंड में मुझे पता नहीं लगेगा कि कौन कितना वर्क कर रहा है, राइट, तो मुझे ये नहीं पता कि इसकी एफिशियंसी और बॉयज की और मैन की एफिशियंसी क्या है, कि सब मिलके ये कर रहे हैं, राइट, सब मिलके 20 days में फिनिश कर रहे हैं। बट अगर मुझे ये पता लग जाए कि 1 man can do the work of 2 boys, दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि 1 man जितना काम करता है उतना ही 2 boys करते हैं, तो फिर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अगर और दे रखा होता है तो बहुत आसान होता है, एंड दे रखा होता है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ता है, या डायरेक्टली भी गिवन हो सकता है। तो यहां पर तो और दे रखा है, तो और दे रखा है तो 3 men का जो वर्क है वो किसके बराबर है, 4 boys के बराबर है, तो 3 men are equivalent to 4 boys, राइट, और अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है कि m अपॉन b ऐसे करके, तो आप ये कह सकते हो कि एक आदमी अगर 4 यूनिट काम करता है तो बॉय जो है वो, ये मतलब क्या हो गया कि मैन जो है यूनिट काम कर सकता है तो बॉय जो है वो 3 यूनिट काम कर सकता है, राइट, ऐसे भी लिख सकते हो, बट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। क्यों कॉम्प्लिकेटेड करेगा वो मैं आपको आगे समझाता हूं। तो यहां पर अब आप देखो जो टोटल वर्क है वो क्या होगा, टोटल वर्क 2 तरीके से निकल सकता है मेरा, टोटल वर्क मेरा 2 ways में हो सकता है। पहला क्या होगा कि या तो मैं देखो 3 men जो है वो उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 40, तो मैन को लेकर भी मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं। दूसरा तरीका हो सकता है मेरा, बॉयज को लेकर भी मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ, दोनों में से कोई एक चूज करना है, या तो ये या तो ये। अगर मैं मैन चूज कर रहा हूं तो मेरे को यहाँ पर बॉयज को मैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर मैं बॉयज चूज कर रहा हूं तो मेरे को मैन मैन को बॉयज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये काम करवाएंगे, राइट, ठीक, आई होप समझ में आ रहा है। और अगर मैं ये एफिशिएंसी वाला पार्ट यूज करने लगूंगा ना कि एक आदमी 4 यूनिट काम करता है और एक बॉय 3 यूनिट काम करता है, राइट, अगर ये यूज करने लगूंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाई 3 आदमी है, 4 यूनिट काम करता है एक आदमी, तो ये 12 यूनिट काम कर रहे होंगे तीनों मिलके, काम होगा तो फिर क्या होगा 40 दिन में, तो 12 into 40 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, yes. है ना। और अगर मैं 3 यूनिट ये काम कर रहा है, 3 यूनिट एक बंदा काम कर रहा है, और 4 boys अगर करेंगे तो फिर से 12 यूनिट करेंगे,
तो फिर से 12 इंटू 40 आएगा, तो उस केस में सेम वर्क आता है। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी इस वाले काम को लेके चलूंगा तो सेम वर्क आएगा, फिर मैन और बॉयज को लेने की जरूरत नहीं है। बट ये ज्यादा बेटर तरीका होता है क्योंकि ये पहले से करते आ रहे हैं लोग। तो अब देखो, अब मेरे को ये जो काम है या तो मैन के साथ कराऊं या तो बॉयज के साथ, तो यहाँ पर जो हम मेरा रिलेशन है वो ये है कि 3 men = 4 boys, तो मैं मैन को बॉयज में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैन को बॉयज में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, या तो बॉयज को मैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी तुम्हारा मन करता है। तो देखो, अगर मैं मैन में कन्वर्ट करूंगा बॉयज को, तो देखो 8 boys हैं, 8 boys हैं, तो 6 men + 2 men और हो जाएंगे ना। यस सर। और अगर मैं बॉयज में कन्वर्ट करूंगा तो भाई 8 boys हैं और 3 आदमी किसके बराबर है, 4 boys के बराबर, तो 6 आदमी 8 boys के बराबर हो जाएंगे, तो ये भी हो सकता है। तो दोनों से सेम आंसर आने वाला है। कैसे, कि अगर मैं मैन मैन को लेके अगर कर रहा हूं, तो मैन को लेके करूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 8, क्योंकि मैन 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 को लेकर रहे हैं तो ये वाला वर्क लेंगे, तो डिवाइड बाई 8 करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 15, राइट। और अगर बॉयज को लेके करूंगा तो क्या करूंगा, बॉयज को लेके करूंगा तो मेरा टोटल वर्क क्या होगा, अरे देखो 3 men जो हैं वो 4 boys के बराबर हैं, यस सर, तो 8 boys, तो देखो ये डबल हुआ है तो ये भी तो डबल होगा, तो 6 men के बराबर ही तो होगा, तो वो 2 men नहीं, वो 6 men होगा, राइट। तो 12 हो गया, तो अब देखो 4 से कट करो ये 10 बार, 4 से कितनी बार कट हुआ, 3 बार, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहां से भी आंसर 10 आ रहा है और यहां से भी 10 आएगा। देखो 4 से आपका 4 बार और 4 से 10 बार, तो दोनों में आंसर सेम रहेगा, दैट इज 10। अब नेक्स्ट, ये भी वापस से और वाला ही क्वेश्चन है, तो और वाला क्वेश्चन है, तो हम वापस से करेंगे कि भाई या तो मैन में कन्वर्ट कर लें या तो वुमन में। तो देखो 3 men और 6 women, तो मैन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 9 women है और यहाँ पर 3 men है, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसमें। तो अगर मैं मैन के साथ जाऊंगा तो पहले मैं मैन के साथ जाता हूँ, तो मेरा टोटल वर्क क्या होगा, 5 आदमी जो है वो 19 दिन में इस काम को खत्म कर पाते हैं, तो ये टोटल वर्क होगा, राइट, टोटल वर्क होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये काम जो है वो किससे करवाना है, ये काम करवाना है फिर 3 men और 6 women से। अगर मैं मैन के साथ जा रहा हूं तो यहां पर आपको सीधे सीधे दे रखा है कि 5 men = 9 women दे रखा है। अब 6 का निकालना है कि 6 जो वुमन है वो कितने आदमियों के बराबर होंगी। तो भैया अगर 6 women का निकालना है तो आप देख रहे हो कि 1 woman 5/9 के बराबर है मैन के, तो अगर 6 का निकालना है 6 women का, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 2 बार कट जाएगा, 3 से 3, तो जो वुमन आ जाएंगी वो 10/3 आएंगी, और 3 men ऑलरेडी हैं हमारे पास, तो यहां पर क्या होगा, 10/3 men बनेंगे प्लस 3 men ऑलरेडी हैं, जब मैंने ये 5 men के साथ किया है, राइट। तो अब आप देखो कि 5 × 19 अपॉन में क्या जाएगा, ये देखो ये 10 और ये 9 हो जाएगा, तो कैरी जब एलसीएम लोगे तो ये 19 हो जाएगा और अपॉन में 3, तो इंटू 3 ऊपर, 19 से 19 कैंसिल आउट, तो ये सीधे सीधे 15 आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया मैन वाला पार्ट। अगर आपने वुमन में कन्वर्ट किया होता तो भी सेम ही आंसर आता, वुमन से क्या आता, 9 × 19 इतना आता, 9 × 19, तो 9 × 19 अपॉन। अब देखो कि अभी अभी हमने देखा था कि 5 men = 9 women, राइट। तो अब आप ये देखो कि 1 man जो है वो किसके बराबर है, 1 man जो है वो 9/5 women के बराबर है, तो मेरे को 3 men का निकालना है, तो 3 men कितने के बराबर होंगे, तो भाई 3 से तो डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना जाएगा, 27/5 women के बराबर, और इसमें 6 ऑलरेडी हैं, तो +6 भी करना पड़ेगा, तो ये सीधे सीधे तुम्हें दिख रहा होगा
कि अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये अपॉन इसके तो अपॉन में वन आएगा और ये फाइव है, तो ये 30/5 हो जाएगा, 30 + 27 57 बनने वाला है। और मैं करके भी दिखा देता हूं, अगर तो ये जो छोटे छोटे कैलकुलेशंस है ना, ये आपको जब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये फिर लिखने की जरूरत ना पड़े, ये सारी चीजें डायरेक्ट हो जानी चाहिए, तो एग्जाम में थोड़ा कम टाइम लगेगा। ये 57 आने वाला है, अपॉन में क्या आएगा, 5 आएगा ना, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 बार कट होगा और ये 3 से 3 बार, तो 3 × 5 वापस से वही सेम आंसर आएगा। कन्वर्ट करो वुमन में, कन्वर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, वापस से ये और वाला पार्ट लग रहा है, तो यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 man or 2 women or 3 boys can complete a work in 45 days, in how many days 1 man, 2 women and 3 boys together finish it, तो ये सब मिलके कितने दिन में फिनिश करेंगे। बड़े आराम से कर सकते हैं इसको, सेम टाइप का ही है, क्योंकि इसमें और दे रखा है तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो 1 man = 2 women = 3 boys यही तो होगा। यस सर। तो अगर मैं सबको बॉयज में कन्वर्ट करूं, सबको मैं बॉयज में कन्वर्ट करूं, तो मेरा जो टोटल वर्क आएगा ना, टोटल वर्क वो होगा कि 3 बॉयज जो हैं इस काम को 45 डेज में करते हैं, राइट? Yes. अब इस टोटल वर्क को करवाना किससे है, करवाना है मुझे 1 man + 2 women + 3 boys। तो 1 man कितने बॉयज के बराबर होता है, 3 boys के बराबर, और ये भी 3 boys के बराबर, तो ये 3 boys और ये भी 3 boys और ये भी 3 boys, तो कितने हो गए टोटल मिला के, 9। यस, तो ये जो टोटल वर्क था इसको 9 से डिवाइड कर दो, तो वापस से आपका आंसर आ जाएगा 15, जो कि ये। अब देखो एंड वाले क्वेश्चन आने लग गए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 2 men and 3 boys can complete a work in 12 days, while 3 men and 2 boys can complete the same work in 9 days, in how many days 2 men and 6 boys can finish it? तो अगर 2 men और 6 boys जो हैं वो इस काम को करेंगे तो कितने दिनों में खत्म कर लेंगे, ठीक है? तो जो एंड वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें क्या करना है आपने, इसमें छोटा सा पार्ट करना है, बस छोटा सा पार्ट क्या होगा कि भाई 2 men हैं, अब मेरे को ना ये दोनों साथ में कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं पता कि बॉयज अलग से कितना काम करता है और मेन अलग से कितना करता है, तो मेन के लिए मैं 2 m एज इट इज रखूंगा, बॉयज के लिए b रखूंगा, और ये दोनों जब काम करते हैं ना, तो इन दोनों का जो काम है वो 12 दिन में खत्म हो जाता है, तो ये किसके बराबर होगा, टोटल वर्क के बराबर। yes. ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में 3 आदमी आ रहे हैं और 2 boys आ रहे हैं, और ये लोग जो काम को खत्म करते हैं वो है 9 days और ये भी टोटल वर्क है, राइट? तो यहां पर दोनों ही टोटल वर्क हैं, तो इन दोनों को डायरेक्टली, ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, जब एग्जाम में करेंगे, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, तो इनको आप डायरेक्टली इक्वेट कर सकते थे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 24m + 36b, और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 27m + 18b, राइट? तो भाई इस वाले पार्ट को इधर लेके आओ, इस वाले पार्ट को इधर लेके आओ, तो 18b = 3m, तो 6b = m, तो मतलब क्या हो गया, एक आदमी जो है वो 6 boys के बराबर, 6 boys का, हाँ, क्योंकि एंड वाला पार्ट है। तो अब ये वाला जो पार्ट है ना, इससे ये पता लगेगा कि भाई एक मैन और बॉयज का जो रिलेशन है, मैन और बॉयज का वर्क का रिलेशन क्या होगा। तो अब ये कह सकते हो कि भाई 6 boys उतना ही काम करते हैं जितना एक मैन करता है। अब देखो यहाँ पर जो टोटल वर्क है ना, उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अब आपको। वो क्या करना पड़ेगा कि भाई अगर एक 6 boys एक आदमी के बराबर हैं, तो या तो मैन को बॉयज में कन्वर्ट करो, या तो बॉयज को मैन में कन्वर्ट करो,
किसी एक इक्वेशन में। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे टोटल वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा तुम्हारा, टोटल वर्क कोई भी ले लो, मैन से बॉयज में कन्वर्ट कर लो, बॉयज से मैन। तो बॉयज में कन्वर्ट कर देता हूं कि 6 boys 1 man, तो एक आदमी, अगर एक आदमी 6 boys के बराबर है तो ये जो मैन है वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे ना, 12 boys के बराबर होगा कि नहीं। यस सर। तो 12b plus 3 तो 15b, तो 15 boys जो है वो 12, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। आप इससे भी निकाल सकते थे, टोटल वर्क सेम आएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे कि नहीं होंगे, 18। यस। 18 और 2 कितने हो गए, 20। 20। तो 20 और इनटू कितना होगा, 9। तो ये भी 180 बन रहा है और ये भी 180 बन रहा है। तो कोई एक इक्वेशन यूज कर लो, या तो ये या तो ये। तो टोटल वर्क पता लग गया। अब ये जो काम है वो करवाना किससे, इन हाउ मेनी डेज 2 men and 6 boys कैन फिनिश इट। तो जब हमने ये जो 15 into 18 किया था, ये बॉयज के अकॉर्डिंग किया था ना, निकाला था ये बॉयज के अकॉर्डिंग निकाला था। अगर बॉयज के अकॉर्डिंग निकाला है तो इन मैन को भी मुझे बॉयज में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक मैन किसके बराबर था, 6 boys के, तो 2 men आपके 12 boys के बराबर हो जाएंगे, राइट। तो 12 और 6 कितने हो गए, 18। 18 से डिवाइड करना पड़ेगा, 18 18 कैंसिल आउट होके आपका 15 आंसर देने वाला है। यहाँ पर ये करेक्ट नहीं हो पाया, इसके ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, तो 15 लिख लेना आंसर, ठीक है। तो एक और ऑप्शन ऐड कर देते हैं इसमें, ई, दैट इज 15 days। तो 15 days हमारा राइट आंसर है। वापस से सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि भाई ये जो 4 men and 3 women है, 6 दिन में कर रहे हैं, वाइल 5 men and 7 women कैन डू द सेम वर्क इन 4 days, हाउ लॉन्ग विल 4 men and 3 women टेक टू कंप्लीट द वर्क। अच्छा, अब देखो इसमें का कोई मतलब ही नहीं है, 4 men and 3 women कैन डू अ वर्क इन हाउ मेनी डेज, 6 days। तो ये तो आंसर तो 6 ही आना चाहिए था, है ना। चलो मान के चलो, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अगर मैं इसको 8 men देता हूं, राइट, इसमें करेक्शन कर देता हूं, 8 men कर देता हूं, वुमन को 3 रखता हूं, ठीक है, ठीक। तब कितना आंसर आएगा, तो एक ऑप्शन हम कोई भी ऐड कर लेंगे और इसमें एक लिख देते हैं कि नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से तो कोई हो सकता है मैच कर गया तो ठीक है, नहीं किया तो हमारा आंसर यही होगा। तो हमने यहाँ पर 4 की जगह 8 ले लिया, ठीक। अब कैसे करते, तो सेम तरीका रहेगा हमारा, अभी भी 4 men and 3 women है और 6 दिन में कर रहे हैं, तो इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो कितना हो जाएगा, 24m + 18w = 7 और 5 है ना, इसको सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5, तो 20 men and 28 women। तो तुम देख रहे होगे सीधे सीधे कि 4 men = 10 women, तो 1 man = 2.5 women। अब हमारा जो टोटल वर्क होगा, यहां से टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो ये एग्जाम के अकॉर्डिंग किया मैंने, अब मैंने बार बार नहीं लिखा जैसे मैं पहले क्वेश्चन में लिख के बता रहा था तुम्हें, राइट। अब देखो जो टोटल वर्क आएगा वो क्या होगा, अब मैन को अगर मैं वुमन में कन्वर्ट करूंगा तो ज्यादा इजी होगा, है ना, क्योंकि ये पॉइंट ये 4 से मल्टीप्लाई करना है, सीधे सीधे 10 women में कन्वर्ट होने वाला है, yes. है ना, yes. तो अब जो टोटल वर्क आएगा भाई, 4 men जो है वो 10 women में कन्वर्ट हो जाएंगे, 10 और 3 = 13, तो ये 13 मिलके कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 6 days में, yes. तो ये 6 days में खत्म कर रहे हैं, तो ये टोटल वर्क आ गया इतना यूनिट। अब यही काम किससे करवाना है, सेम वर्क मुझे करवाना है 8 men + 3 women से। तो ये अगर 4 10 के बराबर थे तो ये 20 के बराबर हो जाएंगे, को 20 + 3 = 23 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 78 है डिवाइड बाय 23, तो आपका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीस, ठीक है, ठीक।
तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट? अब देखो व्हेन सिस्टम जो होता है वो टाइम एंड वर्क की तरह ही सेम टॉपिक होता है, बस इसमें मैन और वुमन की जगह पाइप का नाम लिख दिया जाता है। ठीक। और इसमें ये भी हो सकता है कि पाइप जो है वो पॉजिटिव वर्क भी कर सकते हैं और नेगेटिव वर्क भी कर सकते हैं। हाँ, टाइम एंड वर्क जो होता है ना उसी की तरह पाइप एंड सिस्टम भी एक टॉपिक होता है। लोग इसको अलग से पढ़ाते हैं, बट अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सेम टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम के मैं तुम्हें कराने वाला हूँ। तो देखो पाइप एंड सिस्टम जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स। तो अ पाइप मतलब ए पाइप है ये, एंड देर आर टू आउटलेट पाइप फ्रॉम द टैंक विच कैन एम्प्टी इट इन 7 and 11 hours रेस्पेक्टिवली। तो मान के चलो इस पाइप को जो भरने वाला पाइप है उसको मैं ए नाम दे देता हूँ और वो 3 आवर्स में भरता है, और ये जो बी पाइप है ये जो है वो 7 आवर्स में फिल कर रहा है, और जो सी पाइप है ये 11 आवर्स। तो ये वाला जो पाइप है ये तो फिल करने वाला पाइप है, और ये दोनों क्या करने वाले हैं, एम्प्टी करने वाले हैं। तो एम्प्टी करने वाले जो पाइप होते हैं वो नेगेटिव वर्क करते हैं, बस इतना। हाँ, ये डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। ठीक। तो अब जो टैंक का जो कैपेसिटी आएगा ना, जैसे हम टोटल वर्क निकालते थे, यहां पर ये टैंक भर रहे हैं तो टैंक का कैपेसिटी क्या होगा, एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। समझ में आ गया? ठीक है। तो अगर इनका एलसीएम ये सारी की सारी तो प्राइम नंबर्स है ना, तो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होता है। तो अब इतना यूनिट जो है ये टैंक का कैपेसिटी है, 77 × 3 दैट इज 231। अब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये एक 1 आवर में कितना फिल करेगा, 77 यूनिट, क्योंकि 3 कैंसिल आउट हो गया, 7 × 11। यस। ऐसे ही ये 7 से डिवाइड होगा तो कितना करेगा ये, 33। और ये कितना करेगा, 21। लेकिन ये नेगेटिव काम करेंगे, ये पॉजिटिव काम करेगा। ठीक है, तो जो टोटल कैपेसिटी है वो तो है 231 यूनिट, और ये जब सब साथ में मिलके काम करेंगे तो एक घंटे में कितना काम होगा, 77 तो एक घंटे में भरा जा रहा होगा, लेकिन साथ साथ में ये इतना पार्ट खाली भी कर देंगे, तो इनको भरने में जो टोटल टाइम लगेगा वो ये आ जाएगा। जैसे आपने वहां पर देखा होगा टोटल वर्क डिवाइड बाई वन डे वर्क होता था, तो यहां पर क्या हो गया, टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाई द फिलिंग कैपेसिटी इन 1 आवर ऑफ ऑल द टैंक। तो जो भर रहा है उसको पॉजिटिव रखते हैं, बाकियों को नेगेटिव रख लेते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये 231 डिवाइड बाई क्या हो गया, 23 बच गया। 54 माइनस करोगे ना इसमें से, 54 ये 54 बन रहा है, तो 23, तो आपके पास हो गया 10 whole 1/23। तो आंसर हो गया 10 whole 1/23 दैट इज। तो यहां पर जो पाइप भरने वाले होते हैं ना वो आदमियों की जगह ले लेते हैं, काम कर रहे हैं, और जो पाइप टैंक की जो कैपेसिटी है वो टोटल वर्क की जगह ले लेती है। बाकी सब इनकी एफिशिएंसी का जो है, जिस पाइप की जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी वो उतना ही जल्दी भरेगा। तो यहाँ पर भी वही होता है कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा होगा तो टाइम का रेशियो पता लग जाएगा, टाइम का रेशियो दे रखा होगा तो एफिशिएंसी का रेशियो पता लग जाएगा। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पाइप ए एंड बी कैन होना चाहिए था, कैन सिस्टर्न। सिस्टर्न क्या होता है, वही कनस्तर का जो डब्बा होता है दैट इज सिस्टर्न, इन 15 minutes and 20 minutes। अब यहां पर आवर्स भी नहीं दे रखा है, यहां पर मिनट दे रखा है। Why a third pipe C can empty the full cistern into 6 minutes?
यहां पर फुल स्टॉप होना चाहिए था। टू पाइप, तो देखो पाइप ए, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये है नेगेटिव पाइप। नेगेटिव पाइप मतलब एम्प्टी करने वाला पाइप। ये जो पाइप है ये फिल करता है 15 मिनट में, ये जो पाइप है फिल करता है 20 मिनट में, और ये जो खाली करता है वो कितने 6 मिनट में। तो टैंक का कैपेसिटी क्या ले लेंगे हम, इन सब का एलसीएम लेंगे ना, तो टैंक का कैपेसिटी कितना आ जाएगा, टैंक का कैपेसिटी आ जाएगा 15 और 20 का एलसीएम होता है 60, और 60 का एलसीएम 6 तो काम करेगा, तो 60 यूनिट ले लेते हैं। राइट अब ये जो पाइप है एक मिनट में कितना खाली करेगा, 4 यूनिट भरेगा मतलब, 4 यूनिट, और ये कितना भरेगा, लेकिन ये खाली कर रहा होगा 10 यूनिट। तो क्या हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। अगर हर घंटे में ये 10 यूनिट खाली कर रहा है और ये हर घंटे में 7 यूनिट फिल कर रहे हैं, तो एट द एंड क्या होगा, 3 यूनिट खाली ही हो रहा है ना, तो 1 मिनट वर्क और कैपेसिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, -10 + 7 दैट इज इक्वल टू -3 यूनिट। -3 का मतलब क्या हो गया, मिनट में हर मिनट में 3 यूनिट खाली हो रहा है अगर सबको साथ में चलाया जाए तो। ठीक ठीक है, अब आप देखो ध्यान से देखना, while third pipe can empty the cistern, full cistern in 6 minutes, A and B are kept open for 6 minutes in the beginning. तो starting में A और B 6 मिनट के लिए क्या कर रहे हैं, 6 मिनट के लिए A और B को रखा गया। तो A और B अगर 6 मिनट काम करेंगे तो ये केवल भरने का काम कर रहे थे, तो 42 यूनिट भर गया होगा क्योंकि अभी तो C आया नहीं। Then C is also opened. फिर 6 मिनट के बाद C को भी ओपन किया गया, तो भाई टैंक में 42 यूनिट तो भरा हुआ था ना। द मोमेंट सी विल स्टार्ट और सी विल बी ओपन, देन फ्रॉम दैट मोमेंट ओनली दिस 3 यूनिट विल रिड्यूस एवरी मिनट। तो अब 42 यूनिट भरा हुआ है, एज 42 यूनिट टैंक इज ऑलरेडी फिल्ड एंड नाउ इट विल बी emptied by 3 यूनिट पर मिनट, सो इन हाउ मच टाइम इट कैन बी डन, इट कैन बी डन इन 14 मिनट। तो फिर अगले 14 मिनट में ये, इन व्हाट टाइम द सिस्टम एम्प्टीड, तो एम्प्टी कितने मिनट में हो गया, 14 मिनट में, यही हमें बताना था। समझ में आया कि नहीं आया, क्या किए हैं हमने, कह रहा है पहले 6 मिनट तक केवल ए और बी चल रहे थे, ए और बी अगर 6 मिनट तक चल रहे थे तो दोनों मिलकर 7 यूनिट भर सकते हैं, 7 यूनिट भरने के बाद हर मिनट में 7 यूनिट, तो 6 मिनट में 42 यूनिट ऑलरेडी उस टैंक में भर चुका होगा। अब जैसे ही सी ओपन होगा, 3-3 यूनिट खाली होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तीनों चलते हैं तो 3 यूनिट खाली कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, असिस्टेंट कैन फिल्ड बाई पाइप्स एक्स एंड वाई इन 6 hours and 8 hours रेस्पेक्टिवली, When the cistern is full, it can be emptied by pipe Z in 9 hours. If all pipes were turned on at the same time, in how much time will the cistern be filled? Okay. अब ये जो X, Y, Z जो पाइप है वो सारे एक साथ ओपन किए जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि X और Y और Z का इंडिविजुअल टाइम लिख लेते हैं। ये पॉजिटिव टैंक है, ये पॉजिटिव टैंक है, ये मतलब पाइप है, तो पॉजिटिव पाइप का मतलब पॉजिटिव काम करने वाला या फिर भरने वाला, नेगेटिव का मतलब खाली करने वाला। तो ये 6 घंटे लेता है, ये 8 आवर्स लेता है, और ये कितना है, 9 आवर्स। तो इन सब का जो एलसीएम अगर आप लोगे तो टैंक का जो कैपेसिटी है वो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना होगा तुम्हारा, 72 यूनिट। अब देखो ये एक घंटे में कितना भरेगा,
12 यूनिट, ये एक घंटे में कितना भरेगा 9 यूनिट, और ये एक घंटे में खाली कर रहा होगा 8 यूनिट नेगेटिव, ये पॉजिटिव रहेंगे, ये पॉजिटिव। तो अब आपसे क्या बोला गया है कि भाई अगर ये तीनों के तीनों पाइप को एक साथ चलाया जाए, तो जब इन तीनों को एक साथ चलाया जाएगा ना, तो 12 प्लस 9 माइनस 8 दैट मींस क्या होगा, 13 यूनिट जो है वो फिल होंगे पर आर, फिल, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना 13, तो 13 है तो 13 यूनिट क्या भरा जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब कह रहा है कि पूरा टैंक कितनी देर में भरा जाएगा, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है 72, तो 72 डिवाइड बाई 13, तो इतने आवर्स लग जाएंगे, तो 57/13 आवर्स, क्योंकि टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाई 1 आवर फिलिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल थ्री। समझ में आया? तो आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लैंग्वेज को समझना होता है हर बार। पाइप पी एंड पाइप क्यू टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12 मिनट, विद पाइप आर एंड एस दे कैन फिल इन 20 डेज। अच्छा, ये डेज होना चाहिए था, मिनट ही होना चाहिए था, ठीक है। तो ये देखो, पी पाइप पी एंड क्यू टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12 मिनट, तो यहां पर ये 20 डेज नहीं है, ये 20 मिनट ही होगा। Efficiency of R is double the efficiency of S, and pipe Q and S together can fill in 20 days. Q and S, तो ये 20 days नहीं होगा, ये वापस से 20 मिनट ही होगा। Find the time taken by pipe P and pipe R together to fill the cistern. देखो, pipe P and Q, तो pipe P plus Q की बात करें तो ये 12 मिनट में भर रहे हैं, R और S की बात करें तो R प्लस S की बात करें तो जैसे मैंने बताया था, ये डेज नहीं होगा, ये मिनट होगा, तो ये 20 मिनट है और ये भी मिनट है, और यहां पर पाइप Q एंड S टुगेदर ये भी 20 मिनट ही है, राइट। Q प्लस S ये भी आपका क्या है, 20 मिनट है, तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि यहां पर 60 यूनिट ये है, राइट, और यहां पर अगर इन दोनों पाइप का कॉम्बिनेशन, इन दोनों पाइप का एफिशिएंसी देखा जाए, तो 60 यूनिट 12 मिनट में, तो ये 5 यूनिट भरेंगे, और ये दोनों मिलके 3 यूनिट भरेंगे, और ये दोनों मिलके भी 3 यूनिट भरेंगे। अब एक पार्ट और आपको दे रखा है, एफिशिएंसी ऑफ पाइप आर इज डबल द एफिशिएंसी ऑफ एस। अच्छा, ये भी क्यू एस है, ये आर एस था, QS और RS। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखो कि एफिशिएंसी ऑफ पाइप R इज डबल द एफिशिएंसी ऑफ S, ये दे रखा है ना, तो यहां से S का पता लगेगा। अगर इसकी एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी ऑफ पाइप R इज डबल द एफिशिएंसी ऑफ S, तो एफिशिएंसी ऑफ आर इज डबल द एफिशिएंसी ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू, ये 2:1 के रेशियो में, समझ में आ रहा है, 2:1, दैट मींस आर की जो एफिशिएंसी हो गई वो कितनी हो गई, 2 यूनिट, और एस की कितना हो जाएगा, दोनों का मिला के 3 यूनिट है, तो यहां पर ये 1 आएगा, और अगर एस का 1 आ गया है तो क्यू का भी 2 आएगा, और पर 2 है तो पी का कितना हो जाएगा, 3, कैलकुलेट हुआ। अब आपसे कि द टाइम टेकन बाई पी एंड आर टूगेदर टू फिल, तो देखो पी और आर, तो भाई 60 यूनिट है और पी और आर से भरवाना है, पी प्लस आर से, तो इनका एक दिन, तो पी 3 यूनिट भरता है और आर 2 यूनिट भरता है, तो अगर मिनट के ऑप्शंस में देखेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 मिनट आना, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। एक और क्वेश्चन है, सो ये है, पी कैन फिल द टैंक कंप्लीटली इन 12 आवर्स व्हाइल क्यू कैन एम्प्टी इट इन 24 आवर्स, बाय मिस्टेक अनीता फॉरगॉट टू क्लोज क्यू, एज अ रिजल्ट बोथ रिमेंड ओपन, आफ्टर 8 आवर्स अनीता रियलाइज द मिस्टेक एंड इमीडिएटली क्लोज द फसेट क्यू, फसेट भी नली होता है, इन हाउ मच टाइम नाउ ऑनवर्ड्स वुड द टैंक बी फुल,
तो बंद करने के बाद और कितने घंटे लग जाएंगे टैंक को भरने के लिए? क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो नॉर्मल है वही कि भाई पी जो पाइप है, पाइप और फॉसेट भी बोल सकते हो और पाइप भी बोल सकते हैं, तो पी आपका 12 आवर्स में फिल करता है और क्यू, तो ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है और क्यू जो है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है और नेगेटिव ये 24 आवर्स में एम्प्टी करता है, राइट? तो अगर मैं टैंक का कैपेसिटी मानता हूँ, टैंक कैपेसिटी मानता हूँ, तो इन दोनों का अगर एलसीएम दिख रहा होगा तो मैं 24 यूनिट ले सकते हैं, राइट? तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को ये जो दिख रहा है कि भाई 12 घंटे 24, तो ये 2 यूनिट फिल करेगा और ये 1 यूनिट खाली कर रहा है साथ में, ये एम्प्टी कर रहा है। अब देखो, बाई मिस्टेक अनिता फॉरगॉट टू क्लोज द फर्स्ट क्यू, एज ए रिजल्ट बोथ फर्स्ट आर रिमेन्ड ओपन, राइट? तो 8 घंटे तक वो ओपन रहते हैं, तो पहले 8 आवर्स में क्या हुआ होगा, ये 2 प्लस जा रहा होगा और ये -1 जा रहा होगा, तो 1 into 8 8 यूनिट केवल भरा गया होगा, राइट? जो रिमेनिंग टैंक है अभी भी कितना, रिमेनिंग टैंक अभी भी कितना बचा हुआ है, 24 -16 यूनिट तो बचा हुआ है। अब ये जो 16 यूनिट भरा जाएगा, इसको केवल भरने के लिए कौन रहेगा, पी अवेलेबल है, बंद कर दिया, तो पी कितना भर सकता है, 2 यूनिट, उसे डिवाइड कर देंगे तो सीधे सीधे क्या हो गया, 8 आवर्स आएगा। तो यही पूछा गया था, नाउ ऑनवर्ड्स अब कितना टाइम लगेगा, तो नाउ ऑनवर्ड्स आंसर हो जाएगा 8। आई होप आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क तीनों पार्ट में बहुत अच्छे से आप लोगों ने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए होंगे, राइट? तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट मेरी मेहनत का कुछ फायदा हो। ये जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये उन लोगों तक जरूर पहुंचे जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जो पेड क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, राइट? और उनको ये बेसिक्स का नॉलेज बहुत अच्छे से समझ में आए, सो दैट उनके सिलेक्शन में थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।